नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। आखिरकार AMCA, तेजस MK2, TEDBF, ORCA इन सब के लिए एक स्वदेशी जेट इंजन की समस्या हल होती हुई दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, अपडेट निकल कर आई है कि इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए भारत में स्टडी ग्रुप जल्द बनने वाला है। तो पूरा अपडेट जानेंगे इस वीडियो में, वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत ने आत्मनिर्भर बनने की ओर बड़े कदम उठाए हैं और उनमें से कई कामों को सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया गया है। फिर चाहे वो खुद की घातक मिसाइलें बनाना हो, टैंक्स बनाना हो, आर्मर्ड व्हीकल्स बनानी हो, न्यूक्लियर सबमरीन्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, या फिर स्वदेशी तौर पर बनाए गए फाइटर जेट्स हो, हमने ये सभी उपकरण और हथियार वर्ल्ड क्लास बनाए हैं और ज्यादातर क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं। लेकिन हमारे जो एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसी कंपोनेंट को लेकर आती है, तो वो है एक जेट इंजन, जो कि हम अभी तक सही मायनों में नहीं बना पाए हैं। जी हां दोस्तों, वैसे तो कई जेट इंजन्स भारत में बन चुके हैं, लेकिन कोई वर्ल्ड क्लास का प्रॉपर वर्किंग इंजन इस तरह से नहीं बनाया गया है कि वो हमारे आने वाले फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में काम आ सके। और आज भी तेजस में हमें फॉरेन इंजन लगाना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ रही है उसके लिए ये जरूरी हो गया है कि हम खुद का स्वदेशी इंजन बनाएं और खुद की इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करें। ऐसे बहुत प्रयास भारत में हो भी चुके हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि किस तरह से कावेरी इंजन को बनाया गया था, लेकिन अंत समय में उसमें थ्रस्ट इश्यूज आ गए थे, जिसके कारण रियल सेंस में हम कोई इस्तेमाल नहीं कर पाए थे उसका। वहीं आने वाले समय में हमारे बहुत से ऐसे बड़े एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमें एक स्वदेशी इंजन कंपलसरी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा के लिए किसी फॉरेन इंजन पर डिपेंड नहीं कर सकते। AMCA जो कि हमारा सबसे हाइप्ड प्रोजेक्ट है, और हो भी क्यों ना, आखिर हम AMCA को 5.5 प्लस जनरेशन वाला स्टेल्थ फाइटर बना रहे हैं, और बाकी सारे एरियाज हमने कवर कर लिए हैं। फिर चाहे वो मिसाइल्स हों, रेडार्स हों, यहां तक कि नेविगेशन सिस्टम्स भी हमने स्वदेशी रूप से डेवलप कर लिए हैं। लेकिन इंजन की बात आते ही हमारी रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन अब एक बहुत अच्छी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। दोस्तों, कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि पिछले साल 2020 में ऐसी बहुत सी खबरें आई थी कि बहुत से देशों ने स्वदेशी इंजन पर वर्क करने के लिए ऑफर किया है भारत को, और इसमें UK से लेकर फ्रांस तक शामिल है, और US तो हमें खुद का इंजन ही ऑफर कर रहा था। लेकिन इन सबके बीच अब एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो कि उम्मीद जगाती है एक स्वदेशी इंजन की और एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी की। जी हां दोस्तों, असल में हाल ही में होने वाले एरो इंडिया इवेंट में दुनिया भर के देशों की डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनीज आ रही हैं, और इसी के साथ ही विभिन्न देशों के ऑफिशियल्स भी यहां पर पहुंचेंगे। इसी दौरान UK के डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर्स भी आने वाले हैं, और इस दौरान भारत से डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए कई देश हमारे साथ कई तरह के MOUs भी साइन करने वाले हैं। और इसमें से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और UK मिलकर स्वदेशी इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए एक स्टडी ग्रुप बनाने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, UK की करीब 14 बड़ी कंपनीज एरो इंडिया में हिस्सा ले रही हैं। भारत में डिप्टी ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने बताया है कि LCA तेजस MK2 और AMCA प्रोजेक्ट में UK का बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि UK भी भारत से डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा एक खबर निकल कर आई है कि जनरल इलेक्ट्रिक्स भारत को एक ज्यादा पावरफुल F414 इंजन का ऑफर देने वाली है। जी हां दोस्तों, ये ऑफर TEDBF प्रोजेक्ट के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, चाहे कोई भी देश कितनी भी मदद करने को तैयार क्यों ना हो, लेकिन हमें आज नहीं तो कल अपना स्वदेशी जेट इंजन डेवलप करना ही है, क्योंकि इसके बिना हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती है। फिर भारत लगातार ताकतवर भी होता जा रहा है, और एक वर्ल्ड पावर बनने के लिए जरूरी है कि हम अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बन सके। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।